रिलेटिव वेलोसिटी में सबसे पहली चीज, मेरे से किसी ने ये पूछा सर आपकी स्पीड क्या है, मैंने कहा जी जीरो, मैंने कहा जीरो। या उल्टा क्वेश्चन करते हैं कि किसी ने इससे पूछा कि मेरी स्पीड क्या है, हम दोनों कार चला रहे हैं या पता नहीं चला रहे, तो इससे पूछा कि सर की स्पीड क्या है, ये कहता जी जीरो। तो आप लोगों को क्या लगा ये बात सुन के कि मैं किस पे हूँ, एट रेस्ट में बैठा हुआ हूँ। तो पता लगा मेरी स्पीड 60 थी, इसकी स्पीड भी 60 थी, हम दोनों इकट्ठे जा रहे थे, तो इसको लगा कि मैं रेस्ट पे हूँ। हम दोनों लिफ्ट में बैठे हुए थे, लिफ्ट की स्पीड 60, इसकी भी 60, मेरी भी 60, ये कहता सर रेस्ट पे। ये तो बात नहीं बनी ना। फिर किसी ने पूछा, जमीन पे खड़ा था, शीशे की लिफ्ट सी नीचे आ रही है, एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, एक बंदा मेरे साथ खड़ा है, तो इसने जब फोन करके पूछा कि सर किस पे है, वो कहता कि 60 की स्पीड से नीचे आ रहे हैं। जो बंदा ग्राउंड पे है वो कह रहा है नीचे आ रहे हैं, जो बंदा लिफ्ट के अंदर है वो कह रहा है रेस्ट पे है। यानी कि कुछ तो देखने का नजरिया, और हर बंदे की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, तो फिक्स्ड आंसर तो आ ही नहीं सकता। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरी कार 60 की स्पीड पे चल रही है और कोई मुझे देख नहीं रहा, बस एक्चुअल में स्पीडोमीटर 60 दिखा रहा है, तो उसकी एक्चुअल स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हर चीज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से मेजर की जाती है, और सबसे बेस्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ या ग्राउंड, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है। पर एक दूसरे को देख के जो वेलोसिटी निकाली जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में पहला पॉइंट है वी ए बी वेक्टर। वी ए बी वेक्टर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जैसे एक मेरा नाम ए, इसका नाम बी, और हम दोनों मूव कर रहे हैं, हम क्या निकालना चाहते हैं, मेरी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी, और किसने देखी, बी ने, बी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए की वेलोसिटी निकालनी है, पर मुझसे ना पूछना, इससे पूछना विद रिस्पेक्ट टू बी। इसे बोलते हैं क्या निकालना, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी बताएगा ए की वेलोसिटी क्या है। वी बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेक्टर में निकालने का तरीका, वी ए बी वेक्टर का फॉर्मूला, वी ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर। देखो मैंने ये नहीं कहा वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, वी ए बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। ऐसी वी बी ए वेक्टर इज इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है ये। फॉर एग्जाम्पल वी ए वी बी आपको अगर गिवन है, दो कार जा रही हैं, एक वी ए एक वी बी, दो ड्राइवर जा रहे हैं मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। किसी ने पूछा कि ए ड्राइवर को क्या लगा बी को देखते हुए, तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वी ए वी। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ऐसी वी बी ए से पूछा कि मैग्नीट्यूड क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस टू वी बी वी ए कॉस थीटा। तो ए वी ए बी और वी बी ए का मैग्नीट्यूड दोनों में क्या रहेगा, एग्जैक्टली मैं लगा के दिखाता हूं। जैसे दो कार जा रही हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो ए को क्या लगा बी को देखते हुए, तो अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर माइनस 260 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज जीरो। तो कॉस जीरो वन होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आंसर इज जीरो। और पता ही है अगर दो कार 60 की स्पीड से जा रही है तो एक दूसरे को देखते हुए क्या बोलेंगी, हम किस पे हैं, एट रेस्ट। सही है फॉर्मूला। अगर मान लो दो कार्स ऑपोजिट जा रही हैं, तो एंगल उनके बीच में वेलोसिटी का क्या 180, तो ए को क्या लगा बी को देखते हुए, अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर माइनस 260 कॉस ऑफ 180। कॉस 180 मैथ्स में क्या होता है, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आंसर 120। और अगर दो कार जा रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो यहां पुट करते हैं 60 डिग्री। तो आपको तीन चीजें गिवन होंगी रिलेटिव वेलोसिटी में, वी ए वी बी और थीटा। तो पुट करते रहना अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा। तो कैसे निकलेगी रिलेटिव वेलोसिटी, क्लियर है? सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए, पूछा नहीं जाता, कई लोग पूछ लेते हैं कि कैसे, तो आपकी सिर्फ समझ के लिए पढ़ना नहीं है। तो एक्स और वाई एक्सिस, बॉडी ए से बी पे जा रही है, इसका पोजिशन वैक्टर आर ए वैक्टर आर बी वैक्टर, और मान लो ये वैक्टर एक्स वैक्टर, तो ट्राइंगल लॉ से आर बी वेक्टर रिजल्टेंट है आर ए वेक्टर का और एक्स वेक्टर का। तो एक्स वेक्टर क्या होगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। एक्स वेक्टर का नाम दिया जाता है आर बी ए वेक्टर, आर बी ए वेक्टर, तो आर बी ए वेक्टर का मतलब आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
दो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, एक काम करो इन्हें ना डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी आ जाएगी। ये देखो डी बाई डी टी डी बाई डी टी डी बाई डी टी, तो ये क्या आ गई वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, ये क्या आ गई वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, और ये क्या आ गई रिलेटिव वेलोसिटी बी बी ए वेक्टर। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना है, पर ये करने की जरूरत नहीं है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से लोगों ने बनाया। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो एक्चुअल में ऐसे निकलती है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स से। तो क्या ये पॉइंट सबको यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक। और जाते हुए एक बहुत ही 2 मिनट का एग्जाम्पल जो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर कर देगा। एक पेड़ है ट्री, एक पंछी है बर्ड, एक बॉय है आप, एक मैन है, एक अंकल सैर कर रहे हैं ठीक पार्क में। अब क्या हो रहा है इसमें, इसमें पंछी उड़ रहा है बर्ड 20 मीटर पर सेकेंड, टेढ़ा उल्टा ऐसे उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है ऐसे, कितनी एंगल पर 37। 37 फॉर्मूला बुकलेट में नोट भी कर सकते हो, कॉस 37 4/5 होता है, साइन 37 3/5 होता है, ये याद करना पड़ेगा आपको। कि यार क्यों 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री याद तो कर रखे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या है बोलो, क्या खास है इसमें, है कुछ खास? पाइथागोरस लग रही है, किसी भी ट्रायंगल में 4, 5 और 3 का पेयर बनेगा, उसमें एंगल नहीं देगा वो आपको, ऑटोमेटिकली एंगल 37 डिग्री निकलेगा, देख लो। इसलिए इसकी वैल्यू को याद करना जरूरी है आपको, ये गिवन होता है पेपर में, देगा नहीं कॉस 37, वो एक्सपेक्ट करता है कि 4/5 याद हो। तो ये सब इस तरीके से, बर्ड टेढ़ा उड़ रहा है एट एन एंगल ऑफ 37, तो इसके दो कंपोनेंट हैं 20 cos 37 और 20 sin 37। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड ट्री मैन एज सीन बाय बॉय। बॉय को क्या लगा कि पेड़ की स्पीड क्या है? आपको पेड़ की स्पीड क्या है? हाँ हम भी तो ऐसे करते हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं बहुत तेज, हम कहते हैं देखो जी पेड़ पीछे जा रहे हैं, हम कहते हैं कि देखो जी चंडीगढ़ निकल गया, फिर अम्बाला निकल गया, फिर दिल्ली निकल गया, फिर जयपुर निकल गया। अरे वो थोड़ा निकले, तुम निकले, वो थोड़ा निकल रहे हैं, निकल तो तुम रहे हो। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं जी, वो बॉय जब इधर जा रहा है तो उसको पेड़ की स्पीड क्या नजर आ रही है, तो बॉय क्या मानता है, भाई मैं तो बैठा हूँ रेस्ट पे और क्या चल रहा है पीछे, पेड़ चल रहा है, प्रैक्टिकली यही तो होता है। तो देखो पहले ट्री की बात कर लेते हैं, जब भी मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय, ये क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, बॉय से, तो पीछे बॉय लिखेंगे, किसकी वेलोसिटी निकाली जा रही है ट्री की, वो आगे। बॉय से जब पूछा जाएगा, किसी से भी पूछा जाएगा जब ये क्वेश्चन, तो जैसे बॉय से पूछा गया, बॉय कहेगा जी मैं तो रेस्ट पे हूं, चाहे वो चल रहा होगा, मैं तो रेस्ट पे हूं जी, क्या चल रहा है पेड़ चल रहा है। अब कैसे, एक्चुअल में बॉय चल रहा है 16 के साथ और उसके हिसाब से पेड़ पीछे जा रहा है, क्योंकि बॉय एक्चुअल में बॉय आगे जा रहा है पर वो कह रहा है जी पेड़ पीछे रह गया। तो वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि वो खुद तो बैठ गया रेस्ट पे ट्री की जगह और उसको लग रहा है कि मैं तो बैठा हूं लेकिन पेड़ जो है वो पीछे होता जा रहा है। तो अगर वो खुद 16 i कैप के साथ इधर जा रहा है तो पेड़ उसको लगेगा माइनस 16 i कैप के साथ पीछे जा रहा है, तो -16 i कैप आंसर है। वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं भाग रहा हूं, वो कहेगा जी ऑब्जेक्ट पीछे रह रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का आंसर आएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो उसने मैन की स्पीड देना है, मैन की स्पीड को बताना है किसने, बॉय ने। अब मैन की स्पीड है कितनी 2 और बॉय की कितनी है 16, जब वो भाग रहा होगा उसको ऐसा लगेगा कि मैन ना जल्दी पास आ रहा है फास्ट, कितनी स्पीड से 18, पता है क्यों, वो खुद तो बैठ जाएगा रेस्ट पे, उसको कहेगा कि अंकल जी पास आ रहे हैं भाग भाग के मेरे पास, वो ये थोड़ा कहे मैं भाग के जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी सामने वाला मेरे पास आ रहा है बड़ी तेज पास आ रहा है 18 की स्पीड के साथ, क्योंकि खुद क्या मान लिया उसने अपने आप को रेस्ट पे, तो इसकी स्पीड उसको क्या लगेगी 18, किस तरफ, इस तरफ, तो आंसर इज -18 i कैप। सही है, बर्ड को देख रहा है, बर्ड की एक्स की वेलोसिटी देखता है तो 16 है, उसकी खुद की स्पीड भी 16 है, तो एक्स की वेलोसिटी के हिसाब से बर्ड रेस्ट पे है 0। लेकिन जब वाई को देखता है तो मैन वाई में उड़ी नहीं रहा, बॉय वाई में उड़ी नहीं रहा, तो
तो वाई एक्सिस में उसको लग रहा है बर्ड ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 j कैप, 12 j कैप। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए।